छह बल्लेबाजों ने लगाया 25 रन, साउथ अफ्रीका का सफाया करने से चूका भारत। भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में क्लीन स्वीप करने से चूक गया। इंदौर में खेले गए तीसरे T20 में भारत को 49 रनों से हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ भारत ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका ने भारत को 228 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में रोहित शर्मा की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने 18 ओवर में 178 रन पर ही सिमट गई। भारत के लिए सबसे ज्यादा 46 रन दिनेश कार्तिक ने बनाए। भारत के गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही तीसरे T20 में पूरी तरह फ्लॉप रहे। भारत के बल्लेबाज तो दोहरा अंक को भी पार नहीं कर पाए, यानी छह बल्लेबाजों ने मिलकर महज 25 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की तरफ से रॉयल रूसो ने नाबाद शतक जड़ा। बेहद खराब रही भारत की शुरुआत। कप्तान रोहित शर्मा के रूप में भारत को 0 पर पहला झटका लगा। इसके बाद तीसरे मैच में मिले मौके को श्रेय शेयर भुना नहीं पाए और 4 रन बनाकर आउट हो गए। लड़खड़ाती पारी को ऋषभ पंत और दिनेश कार्तिक ने संभालने की कोशिश की। दोनों ने कुछ अच्छे शॉट भी लगाए मगर 27 रन बनाकर पंत भी आउट हो गए। डिकॉक और रूसो ने मचाया कोहराम। इससे पहले टॉस हारकर साउथ अफ्रीका ने बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 3 विकेट पर 227 रन जड़ दिए। शुरुआत तो साउथ अफ्रीका भी बेहद खराब रही और कप्तान टेबा बाउमा 3 रन पर आउट हो गए। इसके बाद सलामी बल्लेबाज क्यूटन डिकॉक और रॉयल रूसो ने कोहराम मचा दिया। डिकॉक ने 43 गेंदों पर 68 रन बनाए जिसमें 6 चौके और 4 छक्के शामिल है। मिलर ने 5 गेंदों पर मचाई तबाही। डिकॉक के रूप में साउथ अफ्रीका को 120 रन पर दूसरा झटका लगा और रन आउट हो गए। उनके पवेलियन लौटने के बाद तो रूसो और भी आक्रामक हो गए और उन्होंने स्टब्स और फिर मिलर के साथ मिलकर पारी को 227 रन पर पहुंचा दिया। रूसो ने अपने पहले T20 करियर का पहला शतक जड़ा। उन्होंने अपनी तूफानी पारी में 7 चौके और 8 छक्के लगाए जबकि स्टब ने 18 गेंदों पर 23 रन की पारी खेली। वही पिछले मैच में नाबाद शतक लगाने वाले डेविड मिलर ने तीसरे मैच में 5 गेंदों पर 19 रन जड़ दिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले।